धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र। मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु, आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। तेरे इस तरह गरजने के बाद आदमी तो दूर दूर तक नहीं बचे। अब सिर्फ औरतें हैं या शाकाहारी दो पाए जो उनके लिए अन्न कमाते हैं। धर्मगुरु तुम सर्व कला संपन्न हो, तुम्हारा एक मामूली सा तेवर भी अच्छे खासे परिवारों को बेड़े में बदल देता है। हर कोई दूसरों को कुचलकर अपनी गर्दन तीसरे में घुसेड़ता है, लेकिन धर्मगुरु मेरी एक ही गर्दन है, मेरे बेटे की, और आदमी बेचारा रहा नहीं। मैं तुम्हारे बताए हुए इष्ट ही पूजूंगी, मैं तुम्हारे पास किए हुए भजन ही गाऊंगी, मैं सभी अन्य धर्मों को फिजूल कहूंगी, लेकिन धर्मगुरु मेरी एक ही जुबान है, मेरे बच्चे की, और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। मैं पहले बहुत पगलाई रही हूं, अब तक मेरे परिवार का जो धर्म था मेरा उस तरफ भी कभी ध्यान ना गया। मैं परिवार को ही धर्म मानने का कुफ्र करती रही हूं। मैं पगली सुन सुनकर पति को ही ईश्वर कहती रही हूं। मेरे जाने तो घर के लोगों की मुस्कुराहट और त्योरी ही स्वर्ग और नरक रहे हैं। मैं शायद कलयुग की बीट थी धर्मगुरु, तुम्हारी गरज से उठी धर्म की जयकार से मेरे से बिल्कुल उड़ गया है कुफ्र का कोहरा। मुझी का अब कोई अपना सच ना दिखेगा, मैं तेरे सच को ही एकमात्र सच मानूंगी। मैं औरत बेचारी तेरे जांबाज शिष्यों के सामने हूं ही क्या, किसी भी उम्र में तेरी तलवार से कम खूबसूरत रही हूं, किसी भी रौ में तुम्हारे जलाल से फीकी रही हूं। मैं तो थी ही नहीं धर्मगुरु, बस तुम ही तुम हो। मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु, अगर साथ भी होते तो तुम्हारा कुछ ना कर सकते। तेरे बारूद में ईश्वरीय सुगंध है, तेरा बारूद रातों को रौनक बांटता है, तेरा बारूद रास्ता भटकों को दिशा दिखाता है। मैं तुम्हारी आस्तिक गोली को अधर्य दिया करूंगी धर्मगुरु, मेरा एक ही बेटा है और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं।